सरों का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृहमंत्री अमित शाह को शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने दी खुली चुनौती, कहा मुंबई आइए आसमान दिखा देंगे। चंडीगढ़ एमएमएस कांड में बड़ा खुलासा, आरोपी लड़की की सेना का जवान कर रहा था ब्लैकमेल। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 10 राज्यों में छापेमारी, पीएफआई के 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। गौतम गंभीर की कप्तानी में इंडियन कैपिटल्स ने दिखाया दम और इरफान पठान की टीम को कर दिया बेदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। आज का दिन महिला विधायकों के लिए यादगार रहेगा। आजादी के बाद पहली बार यूपी विधानसभा में ऐसा सत्र होगा जब विधानसभा सत्र में आज का दिन सिर्फ महिलाओं के नाम रहेगा। आज महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र का आयोजन हो रहा है। सदन में सभी विधायकों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है, लेकिन बोलने का अवसर सिर्फ महिला सदस्य को मिलेगा। बता दें कि प्रत्येक महिला सदस्य को 3 से 8 मिनट तक का वक्त मिलेगा। 150 महिलाओं को आज विधानसभा में आमंत्रित किया गया है। लखनऊ में सीएम योगी आज सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 1:25 पर आगरा के लिए रवाना होंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी दोपहर 2 बजे खेरिया एयरपोर्ट पर आगरा पहुंचेंगे और वहां से सीएम 2 बजे दीनदयाल धाम फरह मथुरा जाएंगे और सीएम कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रयागराज में हाथी घोड़े बैंड पार्टी वो आकर्षक लाइट के बीच महाराजा रावण की शोभा यात्रा निकाली गई। जानकारी के मुताबिक संगम नगरी प्रयागराज में दशहरा उत्सव की शुरुआत तीनों लोगों के विजेता लंकाधिपति रावण की पूजा अर्चना और भव्य शोभा के साथ होती है, तो उनके कुंबे और मायावी सेना के साथ शोभा यात्रा सड़कों पर निकली है। उनके स्वागत में जन सैलाब उमड़ पड़ता है। है लगभग 150 से 200 वर्ष पुरानी परंपरा और हम रावण के महत्व को समझते हैं। रावण इतना बड़ा प्रकांड भगवान तपस्वी श्री स्त्रोत्र करता और भी बहुत बड़ा महान होता और उसका निर्धार होने के कारण हम अगला रामलीला का नहीं देखते वह बहुत महत्व देते हैं। और इस बार तो 2 साल तो COVID-19 की वजह से अयोध्या में गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह का शिकायती पत्र वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव के दौरान अपने प्रतिद्वंदी पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू व उनके सहयोगी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों से पत्र में जान माल का खतरा जताया था, जिसकी शिकायत सपा विधायक ने DGP को शिकायती पत्र लिखा था। गोरखपुर में इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स बख्शीपुर के उत्तरी द्वार पर निर्माणाधीन पोर्टिको का छज्जा बुधवार की देर शाम भरभराकर गिर गया। हादसे में मलबे के अंदर को 2 मजदूर दब गए। कड़ी मशक्कत के बाद देर रात दोनों मजदूरों को बचाव दल ने निकाला, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं दूसरे मजदूर की मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ इस मामले की जाँच के लिए DM कृष्णा करुणेश ने नगर मजिस्ट्रेट की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जिसमें लोक निर्माण विभाग के खंड के अधिशासी अभियंता व निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता को शामिल किया गया है। शाम में थाना कोतवाली क्षेत्र के इस्लामिया कॉलेज से एक सूचना प्राप्त हुई कि यहां पर एक निर्माणाधीन छत क्षतिग्रस्त होकर के गिर गई है और सस्पेक्टेड उसमें 2 लोग नीचे दबे हुए हैं। तत्काल इस सूचना पर पुलिस की टीम, फायर सर्विस की टीम, SDRF और NDRF की टीम
तत्काल यहां पर पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और प्रभारी अधिकारी आपदा हूं। ये घटना स्थल है इस्लामिया डिग्री कॉलेज का, इसमें ये कॉमर्स संभाग था, यहां पर कुछ निर्माण करा रहे थे लोग, स्लैब पड़ रहा था अभी और वो किन्हीं कारणों से टूट करके गिर गया। मौके पे अभी एक व्यक्ति अंदर दबे होने की सूचना है, वो व्यक्ति बोल रहा है, उससे बातचीत हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि शायद दूसरा व्यक्ति भी अंदर है। ये इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स है गोरखपुर में, यहाँ पर आज शाम को शटरिंग का काम चल रहा था लिंटर का और अचानक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई थी जिसकी वजह से हादसा हुआ था और उसमें दो मजदूरों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें NDRF और SDRF जिला पुलिस प्रशासन अग्निशमन की टीम आई थी और रेस्क्यू ऑपरेशन करके एक व्यक्ति को हम लोगों ने जिंदा बचा लिया है, जिसको अभी तत्काल प्रभाव से अस्पताल भेजा गया है चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, इस्लामिया कॉलेज का निर्माणाधीन छज्जा गिर गया है और इसको लेकर और क्या अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, बता दें नंदनी कि इस्लामिया कॉमर्स में जो है बख्शीपुर में स्थित है, यहाँ पे निर्माणाधीन कार्य चल रहा था जहाँ छज्जा जो है भरभरा कर देर रात गिर जाता है, इसके बाद से जो है मजदूर उसमें दब जाते हैं। काफी मशक्कत के बाद मजदूरों को बचाव दल निकालता है, उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराता है जहां एक मजदूर की मौत हो जाती है तथा दूसरे का जो है इलाज चल रहा है। ऐसे में मौके पर जो है DM और SSP पहुंच जाते हैं और तमाम तरीके से उसको जांच के आदेश दे दिए जाते हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ है। बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि इस पर काफी मजदूर काम कर रहे थे और ऐसे में बता दें कि बड़ी तादाद में मजदूर जो है घायल हो सकते थे, लेकिन गरिमत ये रहे कि दो ही मजदूर इसमें आ सके, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा था और इस हादसे को जांच के आदेश दिए गए हैं। देखा जाता है कि किस तरीके से जो है घायल हुए हैं और किस तरीके से हादसा हुआ है, क्या इसमें लापरवाही किसकी नजर आ रही है। हालांकि इसमें बता दें कि एक 26 वर्षीय प्रदीप है जो कि पिपराइज थाने का रहने वाला है गोरखपुर के ही, जबकि दूसरा सरैया जो का रहने वाला है राजू, जिसकी 60 वर्षीय उम्र थी और ये दोनों ही जो है नीचे गिर जाते हैं। शटरिंग का कार्य कर रहे थे और शटरिंग में जो है किसी तरह से छज्जा जो है नीचे गिर जाता है और डिसबैलेंस होने की वजह से ये लोग जो है गिर जाते हैं और उसमें दब जाते हैं मलबे में। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु। औरैया में एरवा कटरा के ब्लॉक सभागर में द्वितीय ब्लॉक दिवस के खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, कृषि और ग्राम विकास अधिकारी ने फरियादियाओं की समस्याएं सुनी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के किसान व पदाधिकारी कार से ब्लॉक सभागर में पहुंच गए। वहीं खंड विकास अधिकारी को किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याएं बताई और ज्ञापन देने के लिए उप जिलाधिकारी विधुना को बुलाए जाने पर अड़ गए। इसके बाद खंड विकास अधिकारी ने किसान यूनियन के पदाधिकारियों की मांग से उप जिलाधिकारी को अवगत कराया। भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश महासचिव अनिल चौहान के साथ कई और पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी को अन्ना मवेशियों की समस्याओं का निराकरण के लिए गौशाला निर्माण, माइनर में पानी की समस्या और सरकारी योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में ज्ञापन सौंपा। हमें फोन के माध्यम से अवगत कराया गया था कि आज तहसील विधुना के अंतर्गत एरवा कटरा ब्लॉक में किसानों की समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है, तो मैं तत्काल प्रभाव से वहां से आया तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर चकबंदी और राजस्व विभाग की इतनी त्रुटियाँ पाई गई हैं जो बराबर लोगों से पैसे ले ले करके और किसानों की ज़मीन को दे रहे हैं। जब किसान अपनी ज़मीन मांगता है, अपनी घाटा संख्या से मांगता है, तो उन्हें गौचरा की ज़मीन मुहैया करा दी जाती है और किसान जब उसमें कंस्ट्रक्शन चालू करता है तो फिर बताया जाता है ये आपकी ज़मीन नहीं है, गौचरा की है। मैं जो किसानों का यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था तो पहले तो SDM महोदय फ़ोन द्वारा मना करती रही कि हम यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, तो काफ़ी उन्होंने मजिस्ट्रेट को भी भेजा है, तो हमारी महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्ष हैं वंदना सिंह, उन्होंने बताया कि यहाँ पर अगर SDM साहब नहीं आते हैं तो यहाँ पर चक्का जाम, धरना प्रदर्शन एवं पैदल मार्च विधुना करने के लिए तैयार हो जाएंगे हम लोग।
फरीदाबाद में सेक्टर 55 में दिन दहाड़े तीन नकाबपोश बदमाश घर में घुस आए और उन्होंने चाकू की नोक पर सास बहू को सास और बहू को बंदी बना लिया और उनकी जेवर और नकदी लूट ली। जानकारी के मुताबिक ये घटना सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। फिलहाल इस घटना के संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है। मैं और मेरी सास घर पर थे, मैं एकदम से आई, देखा तीन लोग घर में खड़े हैं, चाकू ले रखे हैं, तो मैं घबरा गई। फिर उन्होंने कहा बस चुप, आवाज़ मत निकालना और नहीं तो मार देंगे, हमें इस कमरे में लेकर आए हैं। तो फिर एक गर्दन पे चाकू रख दी मेरी भी और मेरी सास के भी, और फिर पिस्तौल भी निकाल ली। तीन लड़के थे, तीनों के हाथ में तो चाकू थे। फिर हमें अलमारी पे ले, हमारे कहीं सब उतार दो जो पहन रखा, हमने सब उतार दिया, कड़े बड़े सब, मेरी सास का भी सब उतरवा लिया। फिर हमें बाथरूम में ले गए कि आवाज़ मत निकालना, फिर वो अलमारी खोलने लगे। फिर जब उन्हें लॉकर मिले तो कहने लगे कि भाई ताला खोलो, हमें चाबी नहीं मिली घबराहट में। फिर हमने ढूंढी, में मिल गई, फिर ताले खोलो नहीं तो तुम्हें मार के जाएंगे। सेक्टर 55 है जी, फरीदाबाद में, क्या हुआ? हाउस नंबर 48। आज सुबह यहाँ 10:15 बजे से लगभग तीन जने घर में घुस गए जी, जिनके हाथों में हथियार थे, पिस्टल भी थी, और मेरी वाइफ और माताजी घर में थी, और उनके गले पर रख के उनको धमकी देके, और पहले तो उनकी सारी चीज़ें जो पहनी हुई थी वो सब उतरवाई हैं, फिर अपने अलमारी खुलवा के जो भी उनको मिला वो ले गए सब। फिर बाहर ये अचानक काम वाली आ गई, उसने बेल बजाई जिससे वो चले गए। अपन में हुआ जी, और इस इधर की तरफ हुआ है। क्या हुआ? ये सारा जेवर निकाल लिया है, सारे जो सोने चांदी जो घर में थे, इन्होंने हमको धमकी दी है चक्कू की। कौन थे? अब क्या बता सकते हैं जी। कितने आदमी? तीन आदमी थे, और एकदम आए वो भग के। अच्छा। और उन्होंने हमारी बहू को धमकी दी है चक्कू की, और इतना बड़ा उनके पास चक्कू है। ये कौशल गोयल का मकान नंबर 48 सेक्टर 55 में है। ये सुबह 10 बजे अपने हार्डवेयर की दुकान है इसकी, वहाँ चले गए, और इसके पीछे घर पे इसकी माँ और इसकी पत्नी दोनों थे। 10:15 बजे के आसपास तीन नौजवान लड़के आए, जो उन्होंने गेट खुला था, अंदर घुस गए, जो उनको डरा धमका के और कुछ ज्वेलरी वगैरह थी वो उतरवा के लूट के ले गए। महाराजगंज जिले के पनियल थाना क्षेत्र में मेडी सिटी हॉस्पिटल बसडीला में पुलिस अधीक्षक ने ऑपरेशन ब्रज के तहत संचालक अजीत चौरसिया और आरिफ के साथ साथ आशा कार्यकर्ता संगीता को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक प्रमिला नाम की गर्भवती महिला और उसके बच्चे का डिलीवरी के समय मेडी सिटी हॉस्पिटल पनियारा में मौत हो गई थी, जिसके बाद हॉस्पिटल संचालक और उसके सहयोगी हॉस्पिटल छोड़कर भाग गए, जिसके संबंध में चिकित्सा विभाग द्वारा मुकदमा कराया गया था। जांच में पाया गया कि हॉस्पिटल संचालक के पास कोई चिकित्सीय प्रमाण पत्र नहीं है और ना ही उनके किसी साथियों के पास कोई प्रमाण पत्र है। ये फर्जी चिकित्सक गैंग बनाकर लोगों को सही इलाज के नाम पर ठगी करते हैं। अलीगढ़ में गांधी पार्क थाना इलाके में SB कॉलेज में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में बारिश के चलते छत भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि बैंक में कर्मचारी और कंज्यूमर हादसे में बाल बाल बच गए। हादसे की जानकारी मिलते ही बैंक के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। घटना के बाद बैंक के अधिकारियों सवालिया निशान पर खड़ा हो गए हैं। हिंदी का बैंक चल रहा है, ये हमारे महाविद्यालय की इमारत है जो बहुत पुरानी है, लगभग 7-8 साल पहले बनी थी। तो इधर 2-3 दिन बहुत बारिश हुई, तो वो इसके ऊपर पानी वाली थोड़ा सा लॉकेज हो गया था, और जो बैंक थी इसका अभी कुछ साल में पहले का रेनोवेशन हुआ है, और उन्होंने POP से और फॉल सीलिंग लगाई थी, उसमें छत का छोटा सा हिस्सा टूट के POP पे गिरा और बाद में नीचे आ गए। इसमें से कोई हताहत नहीं हुआ है, मगर किसी बैंक का वो थोड़े सिस्टम पर डैमेज हो गया है, तो हम लोग इसलिए चीज़ों को देख रहे हैं, और बैंक वालों को क्योंकि हमारी महाविद्यालय की इमारत थी वो, तो हम लोगों ने अभी आर्किटेक्ट को, ठेकेदार को और सिविल इंजीनियर को बुलाया है।
फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।